हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो इसको ध्यान समझिएगा। देखिए, प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखिए, कोई भी आपका सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो किसी न किसी मैटर का बना होगा। तो डिपेंड करता है कि जो आपका मैटर है, मैटर में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। हो सकता है कि उसका मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, डेंसिटी कितनी है। तो ये जो आपके फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी या वॉल्यूम, ये सारे फैक्टर्स हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं डिपेंड करती हैं, इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। तो उसी के ब्याह पर जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आपकी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बताया आपको कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होता है कि हमेशा डिपेंड करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, या फिर आपका वॉल्यूम है, या फिर आपकी जो एनर्जी है, जैसे कि एंट्रोपी है, या फिर आपकी इंथैल्पी है। तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो उसी के ब्याह पर जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। कितने टाइप्स में? टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? फर्स्ट आपकी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट आपकी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और सेकेंड आपकी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो देखिएगा, जो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, टू टाइप्स में होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और सेकंड होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक कंटेनर, या आप फ्लास्क बोल सकते हो। तो क्या लिया? एक कंटेनर लिया इस तरह से। ये आपका क्या है? एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ फील्ड है। मान लो इसमें फील्ड है, एक फ्लूड फील्ड है, ठीक है। क्या है इसमें? एक फ्लूड फील्ड है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? फ्लूड है, कोई भी हो सकता है। एक फ्लूड इसमें क्या है? फील्ड है, ठीक है। क्या है इसमें? फ्लूड है। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब इसको कट कर देंगे। इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो क्या किया? इसको डिवाइड किया बिल्कुल इक्वली। इक्वली क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। इक्वली इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। बोल सकते हैं हाफ कर दिया इसको। क्या किया? हाफ, ठीक। इसको हाफ कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करेंगे तो इसमें जो मैटर फील्ड है, कुछ ना कुछ इसका मास होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा? मास होगा। जो फ्लूड है, कुछ ना कुछ इसका मास होगा, कुछ वॉल्यूम भी होगा, प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, डेंसिटी भी होगी, एंड आपका क्या, मास हो सकता है, कुछ वॉल्यूम भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ डेंसिटी हो सकती है, ठीक है। ये सारे इसमें क्या हो सकते हैं? इस मैटर के हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया, जैसे ही आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया, इसका जो मास होगा, मास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू पार्ट्स में, मतलब m बाई टू बोल सकते हो, और m बाई टू इधर हो जाएगा। आपने क्या किया? इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मास भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक। मास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। हाफ यहाँ हो जाएगा एंड हाफ आपका यहाँ हो जाएगा। बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। हाफ यहाँ हो जाएगा एंड हाफ आपका इधर हो जाएगा, ठीक। मास भी डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट में, वॉल्यूम भी डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं प्रेशर की। क्या प्रेशर डिवाइड हो जाएगा? नहीं, प्रेशर आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, प्रेशर हो गया। अब बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर भी आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी की बात करें, क्या डेंसिटी चेंज होगी? ना ही इसकी डेंसिटी चेंज होगी। मतलब क्या है कि जैसे ही आपने इस फ्लास्क को, इस कंटेनर को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मास भी हाफ हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम भी इसका हाफ हाफ हो जाएगा, लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर एंड जो आपकी डेंसिटी है, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इतना समझ में आ गया? आपने क्या किया, ये कंटेनर को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, ठीक है। अब देखिए, जो इसमें जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जैसे कि आपका प्रेशर है एंड टेम्परेचर है एंड आपकी डेंसिटी है, जिस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है डिवाइड करने पर, जैसे आपने डिवाइड किया, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, वो होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड आपकी डेंसिटी, तो ये किसके अंदर आती हैं? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। और जिसमें चेंजमेंट हो गया, जो आपकी डिवाइड हो गई, जैसे आपका मास हो गया एंड आपका वॉल्यूम हो गया, वो किसके अंदर आती हैं? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। क्या हो गया? मास एंड आपका वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम। तो ये किसके अंदर आती हैं? ये आपकी आती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड आपका डेंसिटी। और बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? मास एंड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम। अब देखिए, ये तो मैंने यहाँ से आपको समझा दिया, अब प्रॉपर मीनिंग क्या होता है इसका, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो देखिए, इंटेंसिव किससे स्टार्ट हो रहा है? इसका एक छोटा सा ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा, इंटेंसिव, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इनसे। देखिए, इसको मैं रेड से करता हूँ।
इंटेंसिव। इसका मतलब क्या है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इनका मतलब इनसे हो रहा है इंडिपेंडेंट। किस पे इंडिपेंडेंट होती है, देखिए ध्यान समझिएगा, इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट अपॉन साइज एंड मास। जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं हमेशा किस पर इंडिपेंडेंट होती हैं, साइज और मास पर इंडिपेंडेंट होती हैं। किस पर, साइज एंड मास पर इंडिपेंडेंट होती हैं। अब बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो किस पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स या डिपेंडेंस, डिपेंड अपॉन मास एंड साइज। मास एंड साइज, जितनी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, मास पर एंड साइज पर डिपेंड करती हैं। लेकिन जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं तो इनसे स्टार्ट हो रहा है, इनका मतलब इनसे आप इससे रिलेट कर सकते हो, इसमें भी इन है, इसमें भी इन है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट अपॉन मास एंड साइज, मास और साइज पर क्या करती हैं, ये आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी एंड आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, ये तो आपका बेसिक यहाँ पर आपको दिख गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज और भी होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं मास एंड साइज के, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ध्यान समझिएगा। विस्कोसिटी, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, एंड नेक्स्ट आपकी क्या है, विस्कोसिटी। एक और होती है आपकी विस्कोसिटी। अब देखिए क्या इसमें जो फ्लूड है, क्या हाफ हाफ करेंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कस तो उतना ही रहेगा। जो आपकी विस्कोसिटी है, जो विस्कस होगा फ्लूड आपका, वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो विस्कोसिटी भी साइज और मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। एक और होती है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पर लिख देता हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी। एक बार होती है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, तो कौन कौन सी होगी, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कौन कौन सी मैंने बताई थी आपको, एक तो मास हो गया, एक आपकी वॉल्यूम हो गई, एंड थर्ड वन आपकी होती है जितनी सारी एनर्जीज हैं आपकी, कितनी, जो भी आपकी एनर्जी है, क्या है आपकी, जितनी आपकी एनर्जी है, सारी एनर्जीज, जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, ठीक है, जितने एनर्जी के टाइप होते हैं, या बोल सकते हो कि एंट्रोपी या इन्थैल्पी और साथ में एंट्रोपी, ये सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है आपको एक ना एक इससे मिल सकता है, एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इससे, इस टॉपिक से। तो देखिएगा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, सब आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ और होती हैं, एक दो पॉइंट और लिखवा देता हूँ इसमें, क्या होता है कि ये आपने देख ली, इसमें क्या होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, डेंसिटी होती है, विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखिए इसी का टाइप है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक टाइप है, एक पार्ट है इसका, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इसी का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब बोलेंगे सर आप ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, देखिए मतलब क्या है कि अगर आप वॉल्यूम में, वॉल्यूम सिंपल दे रखा, वॉल्यूम, इसमें अगर आप स्पेसिफिक जोड़ दें, क्या जोड़ दें, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे सारी एनर्जी आपकी क्या है, किस में आती हैं आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आती हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्पेसिफिक एनर्जी मतलब क्या है, स्पेसिफिक मतलब जहाँ भी आपका स्पेसिफिक जुड़ गया, इसका मतलब मास से आप डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मास से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ई अपॉन एनर्जी अपॉन मास, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी, किसके अंदर आ जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगी। अगर जैसे मैंने बोल दिया स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम अपॉन मास, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगी, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो जिस भी प्रॉपर्टी में अगर स्पेसिफिक जुड़ गया, स्पेसिफिक अगर लग गया, तो मास से आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वह किसके अंदर आ जाएगा, वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा, एक दो पॉइंट और लिख लीजिएगा, नोट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट में क्या है देखिएगा कि अगर कोई भी सिस्टम है आपका, कोई भी सिस्टम दे रखा है, ठीक है,
कोई भी सिस्टम दे रखा है, सिस्टम कोई भी आपका सिस्टम दे रखा है, इसको साफ लिखता हूँ, ठीक है, कोई भी आपका क्या दे रखा है, सिस्टम दे रखा है, कोई भी आपका सिस्टम दे रखा है, और ये कोलैप्स हो गया, क्या हो गया, कोलैप्स्ड हो गया। कोलैप्स का मतलब क्या है, ये पॉइंट एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, एक सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम दे रखा था एंड कन्वर्ट हो गया किसमें, पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट का मतलब क्या है, बिल्कुल इस तरह से पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, अगर ये सिस्टम है कोलैप्स हो गया इंटू पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा, जितनी सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी इसकी, जितनी सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी जीरो, वो क्या हो जाएंगी जीरो। एक बार और समझिएगा, कोई सिस्टम दे रखा है, सिस्टम आपका कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया इनटू पॉइंट में चेंज हो जाएगा, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर पूछा ही जाए, अगर आपसे पूछी जाए कि पॉइंट की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, तो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जीरो हो जाएंगी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये तो नोट फर्स्ट था, वन था, एक और है आखिरी, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्या होगा अगर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करेंगे, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी, क्या आएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी हमेशा क्या मिलेगी आपको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इसमें दे रखा है मास, मास दे रखा है, ये आपकी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आपकी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिवाइड कर दिया दोनों को, तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी, क्या आएगी आपकी, डेंसिटी आ जाएगी, और डेंसिटी क्या होती है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी अगर हम किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं आपकी, होती है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, एंड आपके क्या होते हैं, स्पेसिफिक फॉर्म में जो जितनी भी आपकी, जो भी है आपका एनर्जी है या फिर आपका वॉल्यूम दे रखा है, तो हमेशा वो क्या होगा, वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। मीन्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। किस पर इंडिपेंडेंट होती हैं, साइज एंड मास पर इंडिपेंडेंट होती हैं। अब बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये आपकी डिपेंड करती हैं मास और साइज पर। जैसे आपकी वॉल्यूम हो गया एंड आपका मास हो गया, मास एंड वॉल्यूम हो गया आपका, और सारी सारी आपकी एनर्जीज किसके अंदर आती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। अगर कोई सिस्टम आपका पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसकी क्या हो जाएंगी, सारी सारी जीरो हो जाएंगी। और नेक्स्ट आपका, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करेंगे, तो हमेशा क्या मिलेगी आपको, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मिलेगी, ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।